अपने लिए नहीं दूसरों के। सब संसार को तारना प्रार्थना है, सब संसार को जगाना प्रार्थना है। इसलिए प्रार्थना मांग नहीं है, तारना प्रार्थना। प्रेम महासागर की ओर है बहता प्यारो, पर उल्टा चलना जान। नीचे बहना मृत्यु प्यार, इसलिए इस ऊर्जा को फेंकना नीचे की ओर मृत्यु है। ये मृत्यु की ओर ले जाते। ऊर्ध्वमुखी जब हो गया, बन गया तेरा काम, फिर बन गया, फिर उल्टा जाप हो गया। नीचे बहना मृत्यु प्यारो, ऊपर बहना सुरती का खेल महान। ये सुरती का खेल है, मन नहीं ऐसा कर सकता ना। मन नीचे बह, ऊपर नहीं जाता। भाव पल पल नीचे आते हैं, तुम्हें बरमाते और बरमा के चले जाते। जिस चीज का विचार करते उसी के मिनटों में लाखों विचार तुम्हारी ओर दौड़ना शुरू हो जाते। खाली जगह हो जाती है तो मन आ जाता है भरने के। वो ऊपर से नीचे आते, भाव सदा ऊपर से नीचे चलते हैं और सुरती नीचे से ऊपर चलते। ये अंतर। नीचे बहना मृत्यु प्यारो, ऊपर बहना सुरती का खेल महान। साहिब जी, ऊपर बहने से निज घर पाना ले जाओ। ऊपर बहने से निज घर अमरपुर जाओ। महासुन से आगे है अमर देश महान। तो ये उल्टा स्वांसा से जाओगे ना, नीचे से कैसे जाओ? नीचे से जाओगे तो पताल में जाओगे, और क्या करो? और पताल नरक है, और क्या है? नरक में जाना तो नीचे जाओ, वही मृत्यु। नीचे बहना मृत्यु काल का खेल है, ऊपर बहना सुरती का खेल महान। सतपुरुष का खेल महान है, ऊपर चलो। साहिब जी, ऊपर बहने में निज घर पाना ले जा। ऊपर चलोगे तो अपना निज घर पाओगे, निज घर पहुंचो। छठे दोहे पर आया, ये भी बड़ी प्यारी बात बताने लगा। कोई कहेगा मजनू ने केवल लैला से प्यार किया, ये भी बताना जरूरी है ना, कि कोई कहेगा वो नहीं प्रेम था। मजनू ने केवल लैला से प्रेम किया, किसी और से प्रेम की बात मत जान। अकेला उसको कहीं पर, मैंने कहा ना, बादशाह ने कहा मैं ये छह बड़ी खूबसूरत लड़कियों में से कोई चुन। उसने कहा था बादशाह लैला को मेरी नजर से देख, फिर तुम्हें पहचान लगेगी। उसने किसी और से प्रेम नहीं किया, एक से प्रेम किया, भटक गया। प्रेम बड़ी विचित्र चीज, एक पे ही रुक जाए, दो आदमी भटक जाते हैं, विकारी और एक ही जगह पर अटका हुआ प्रेम, ये गिर जाता। जो जगह जगह पे विकार के लिए भागता है वो गिर जाता है, और जो एक ही जगह बस अटक गया, उसने अंदर की ज्योत को न जगाया, वो रुक गया, वो सिर्फ टार्च बन के रह गया, और वो टार्च उसकी एक ही जगह पर रुकी हुई, वो किसी और जगह को रोशनी नहीं पहुंचाए, उसका कोई लाभ नहीं टार्च। इसलिए मजनू ने केवल लैला से प्यार किया, किसी और से प्रेम की बात मत जान। ये निषेध आत्मिक प्रेम प्यार, ये निषेध आत्मिक प्रेम, खंड खंड हो जाता, टूट टूट जाता है और पागल बना देता है। बाकियों से नफरत होगी और एक से तुम्हारा प्रेम हो गया, तो ये प्रेम कहां से कैसा है? प्रेम तो वो होता है जो प्रेम फैले। फूल इसलिए खिलता है कि हर एक आने वाले को सुगंध दे, तोड़ा नहीं कि गया, हर एक को सुगंध देने का फूल का काम है। प्रेम हर एक को सुगंध देता है, इसलिए ये
निषेध आत्मिक प्रेम प्यारो सारा संसार वर्जित किया ले जा, सारा संसार त्याग, कोई संसार उसके लिए रहा ही ना, रहा घर का तो ना रहा घाट, ये प्रेम क्या काम करे। न रोजी कमा सकता है न रोटी कमा सकता है, लेकिन कपड़े अपने फाड़ रहे, न नहा रहा है न धो रहा है, बस भाग रहा, भागा भागा ही जा रहा है। तो प्यारी सरसंग जी, सारा संसार वर्जित किया ले जान साहिब जी, सारे विश्व से प्रेम करना जान, तो आया सारे विश्व से प्रेम करना जान। एक जगह मतलब इसका नहीं है कि तुम विश्व से करके तुम विकारी, प्रेम जो है ये आत्मिक चीज, ये मन की चीज नहीं है। जब मन से उत्पन्न हो गई तो आत्मिक बन जाती है। गन्ने का रस जो है और तरह से, तो खांड बन गई तो वो बदल गई, मिश्री बनी तो और बदल गई, कुजा मिश्री बनी तो उससे भी ज्यादा और बन गई, वो अब गन्ना नहीं रहा, मिठास है लेकिन गन्ना नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम्हारा प्रेम फैलना चाहिए, प्रेम एक जगह केंद्रित, शुरू में अच्छा, लेकिन अब जैसे शुरू में कैसे अच्छा, संत पहले सीधा अपना शब्द जो पकड़ते हैं उस शब्द से सतगुरु में समाते, जब सतगुरु में समाते हैं तो सतगुरु उनमें आ समाता है और उसमें उनका समाना सत्पुरुष हो जाता है, जब सत्पुरुष हो जाता है तो उनका प्रेम सारे चार लोक में फैल जाता है, फिर कौन भला और कौन बुरा, उसी में काला उसी में गोरा, उसी में अच्छा उसी में बुरा, उसी में चोर। आप कहते हो मैं आऊंगा, चोर बहुत बुरा, अब चोर के गुणों को तुम ले लो, उसमें कितना संयम, कितने संयम से वो चोरी करता है, गुण उसका देखो, तुम चोरी ना देखो। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता हर चीज पर आऊंगा, मैं अब गुणों के ऊपर भी लूंगा और हर अब गुण के तुमको लाभ भी बताऊंगा। जो चुपके से चोरी करता है, हर देश का वासी चोरी करता, जितने नेता चोरी करते इतना कोई चोरी नहीं करता, एक पार्टी में रहते हैं वहां सब कुछ खाते हैं, अपनी पोस्ट जगह बनाते हैं, फिर दूसरी पार्टी बदल लेते हैं कि अब ये मुझे और देगा, पहली वाली ने जो देना था दे दिया, अब मुझे आगे बढ़ना है तो मैं दूसरी में जाऊंगा, ये चोरी नहीं तो क्या है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, उतना ही सीखो जितना तुम पचा सकते हो, उससे ज्यादा तुम्हें तब नहीं देता कि यकदम सारा कैसे पचाओगे। 11 साल हो गए ना मुझे आपको बोलते हुए, हर चीज नहीं दे रहा हूं तो मैं थोड़ा दे रहा हूं, मेरा सतपुरुष दे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, यहां दो पे मैं क्लोज करूंगा 6 से, फिर मैं भजन की दुनिया में जाना है, क्योंकि इससे ज्यादा तुम संभाल नहीं पाओ। मजनू तक मेरा, मजनू ने केवल लेला से प्रेम किया, भटक गया, किसी और से प्रेम की बात मत, प्रेम फैला हुआ है, यानी कि विषय विकार, विषय विकार जो है वो नहीं, उसकी बात नहीं, मैं प्रेम की बात कर रहा हूं, विषय विकार को मत बीच में लाओ, ये निषेधात्मिक प्रेम प्यार, ये प्रेम नहीं रहा कि फूल जो है वो बस उसको छुपा के रखना, ये मेरे लिए अब किसी और के लिए, कोई और इसको ना देख, इसको बुरका डाल, इसका चेहरा पर और ना देख ले, ये सिर्फ मेरे देखने के लिए बना, ये बुरका डालने वाली वेश जो प्रेम है ये निषेधात्मिक प्रेम। सारा संसार वर्जित किया ले जा, सारा संसार छोड़ दे, कोई संबंध ना रखा, साहेब जी सारे विश्व से प्रेम करना जान, सारा संसार उस आत्मा का है, सारे संसार से प्रेम करना सीख तो बात बने, उसके बिना बात नहीं बने। इसलिए प्यारी सत्संग जी,
इसका जिस्ट फिर मैं नेक्स्ट टाइम भी आपको समझा दूंगा जिस्ट और इससे आगे चलूंगा। मैंने काफी दो एक काल लिखे थे इस आज के लिए, और अब मैं आपके समक्ष भजन ला रहा हूं, और मैंने इस भजन में भी इसकी व्याख्या भी करूंगा। ये बहुत तगड़ा भजन, इसके ऊपर कबीर साहब ने भी लिखा हुआ है, कुछ उनकी भी बातें होंगी इस भजन में, उनका भी होगा रूप और रंग। मोको कहा ढूंढे बंधे मैं तो तेरे पास में, मोको कहा ढूंढे ओ बंधे मैं तो तेरे पास में, मैं तो नाम सुरति की दार में, मोको कहा ढूंढो बंदे मैं तो वे नाम सुरति दार में, ना मैं जल में ना मैं थल में ना ही ना तीरथ में ना सूरत में ना कांत निवास में, ना मैं जल में ना मैं थल में ना ही सुन्य आकाश में, ना तीरथ में ना सूरत में ना कांत निवास में, मोको कहा ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहा ढूंढो बंदे मैं तो सुरति दार में, न मंदिर में न मस्जिद में न काशी कैलाश में, देखा न जल में है न थल में है न सुने आकाश में है न तीर्थ में है न सूरत में है। ये जो मूर्तियां बनाते हो ना किस्म किस्म की, इसमें वो नहीं है, इसमें तुम मौजूद हो। जिसने बनाई वो मौजूद है, जिसने बंदर बनाया वह मौजूद है, जिसने वो घाट बनाया वही वहां पर है। जो कुछ नहीं बनाता उसको जानो, जो कुछ ये नहीं सजाता उसको जानो, जो जिसने ये बनाया उसी के भाव है, उसी के विषय विकार है, उसी की आशा तृष्णा है, उसी का छल और कपट है उसमें मौजूद। इसलिए सतपुरुष को बदनाम न करो, मालिक को बुरा मत बनाओ। सो न मंदिर में न मस्जिद में न काशी कैलाश में, तुम तीर्थों में भाग रहे दौड़ लगा रहे डुबकी लगाने की, न मैं जप में न मैं तप में, तुम जप तप में लगे हो। जैसे वो सन्यासी जी तो क्या है, विष्णु भगवान ही है, स्वर्ग में जाते रहते, एंड में तो वहीं जाएंगे और कहां जाएंगे, वही रहते रहते फिर संसार में आ जाओ। ये पिकनिक स्पॉट है जो तुमने कमाई की, निज दाम की कमाई से ही पूर्ण मोक्ष है, फिर संसार में जन्म नहीं पाओगे। अब मैं आपके सामने बैठा हूं सच में, अब मेरा जन्म मरण नहीं, बस जितना सुन लोगे मेरी जितनी ड्यूटी लगेगी, जैसे कबीर साहब ड्यूटी देने आए थे वैसे ये गदा भाई आया ड्यूटी दे रहा हूं, और कुछ काम नहीं मेरे। इसलिए मैं आपसे क्या कहूं, के वैदाम बेदिलिया पल में देत लिखात के
सुषमना के द्वारा आगे चक्र में पहुंचती है। दोनों का वहां मेल होता है तो आत्मा आप बनते हो। अभी तो तुम आत्मा ही नहीं हो, काल भगवान ने आपको दो हिस्सों में बांट दिया, निर्ति और सुरति। निर्ति पल पर श्वासों में रहती, सुरति हृदय की धड़कन बन जाती। दोनों का मेल आ गया चक्कर में प्यारो, फिर ही आत्म बनती, फिर आत्म बनती। उस आत्म से सतगुरु प्रकटते, ले जाते सुरत कमल संग साथ। और सुरत कमल में वेद न्यारा जाने जिसका सतगुरु प्यारा। तो प्यारी सत्संग जी, इसलिए प्राण में भी वे नहीं है। न क्रिया कर्म में रहता, न ही योग स्नेहास में। न क्रिया कर्म में रहता, न ही योग स्नेहास में। अनहद नाद में ओंकार का वासा, साहिब नहीं अनहद जंकार में। न क्रिया कर्म में रहता, न ही योग सन्यास में। अनहद नाद में ओंकार का वासा, साहिब नहीं अनहद जंकार में। मोको कहाँ ढूंढियो बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जल में, ना मैं तल में, ना मैं सुन्य आकाश में। आगे चक्कर आत्म तत्व का वासा, चेतन नाम शब्द के दार में। आगे चक्कर आत्म तत्व का वासा, चेतन में नाम शब्द के दार में। सतगुरु मिलन द्वार वहाँ पर, सतगुरु का नाम चेतन सुरति दार में। आगे चक्कर आत्म तत्व का वासा, चेतन में नाम से
शब्द की दार में सतगुरु मिलन द्वार महा यहाँ प्यारा सतगुरु व नाम चेतन सुरति दार में मौको कहाँ ढूंढियो बंदे मैं तो तेरे पास में मौको कहाँ ढूंढियो बंदे मैं तो व नाम सुरति दार में मौको कहाँ ढूंढियो बंदे मैं तो व नाम चेतन सुरति दार में। तो प्यारी सत्संग जी आज्ञा चक्र में ये सारी बातें जब तक आपकी सुषमना सम न हो, ईडा पिंगला और सुषमना को सम करना है ताकि ये दोनों श्वासें दोनों नास्ट्रल जो है ईडा और पिंगला दोनों खुली हो तो सुषमना खुली। देख दोनों चल रही है एट ए टाइम, सदा चलती है डे एंड नाइट, तभी मेरी तान सतपुरुष से हर समय जुड़ी रहती। इसलिए मैं जो मुख से बोलूंगा ना ये गदा भाई वो सत हो जाता है क्योंकि वो ही बोलते हैं। ये गदा भाई तो मृतक हो चुका है, बस इसमें सतपुरुष आकर बैठे वही सारा काम करते, मैं कुछ नहीं करता। मान न मान तुम्हारी बात। ज्योति निरंजन बवर गुफा में वासा वैश शास्त्र सार में, ज्योति निरंजन बवर गुफा में वासा वैश शास्त्र सार में, माँ चेतन सुरति गुफा में वासा वैश शास्त्र सार में, माँ चेतन सुरति वै नाम के वासा वै तो अमरपुर द्वार में, मोको कहाँ ढूंढ्यो बंदे मैं तो तेरे चेतन सुरति दार में। तो ज्योति निरंजन हमारे ये बमर गुफा, ये जहां हमारी नास्ट्रल ऊपर है ये हम टेढ़ी हो जाती है, इससे ऊपर जहां हम मिलते हैं ये दोनों बमरों के बीच में, ज्योति निरंजन बमर गुफा में वासा वही शास्त्र सार में, और शास्त्र सार में भी वही, शास्त्र सार में भी वही है और बमर गुफा में भी वही है। बमर गुफा बंद कर रखी है कि ताकि तुम ऊपर ना चढ़ो, चढ़ने नहीं दे, और शास्त्र सार में बैठे हुए हैं कि तुम आगे चक्कर में ना पहुंच पाओ। बिना सार शब्द के कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि नाम होए तो मात नवाए, नहीं तो ये मन बांधने चावे। जब ये वैनाम शब्द की दात होगी तो ओंकार भगवान भी इस शब्द के आगे, क्योंकि वह भी सतपुरुष के पांचवें बेटे हैं, इस शब्द के आगे अपना सर झुकाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। तो प्यारे जी महाचेतन सुरति वैनाम के पास आ, इस गदे पाई के पास वैनाम सुरतीदार है जिसमें सतपुरुष का ही वास है, और क्या है, वह तो अमरपुर द्वार में, तो असली घर अमरपुर द्वार में ले जाता है सतगुरु। लेकिन सतपुरुष खुद यहां आए हुए हैं, मैं नाम शब्द की धार में उनकी सुरती वही, अंदर निज घर एको जान, वैनाम शब्द पाने से तुम्हारे अंदर भी यही है और निज घर में भी वही, बिन वैनाम शब्द बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए।
तुम जितना मर्जी यत्न करो बात नहीं बने। इस शब्द के बिना बात बनने वाली नहीं है प्यारी सत्संग जी। तो हम आठवें दोहे पर आते हैं। सात चक्र निरंकार भगवान का वासा, मां चेतन सुरतीन से पार में। सात चक्र निरंकार भगवान का वासा, मां चेतन सुरती की दार में। इक्कीस लोक विस्तार में नाही, वह तो अमरपुर द्वार में। सात चक्र निरंकार भगवान का वासा, मां चेतन सुरती चक्र के पार में। इक्कीस लोक विस्तार में नाही, वह तो अमरपुर द्वार में। मोको कहाँ ढूंढियो बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढियो बंदे, मैं तो वह नाम सुरती केदार में। मोको कहाँ ढूंढियो बंदे, मैं तो वह नाम चेतन सुरती दार में। तो पहला तो यही है कि वह नाम शब्द चेतन सुरती है, इसमें सत पुरुष मौजूद। दूसरा कहा सात चक्कर हैं, बुधा स्थान से लेके छह शास्त्र सार और आगे चक्कर तक, ये सात चक्कर संसार हैं। आठवां योगी सात, इसलिए आठवां चक्कर योगी सात। जहां पर एक खिड़की बनी जानत संत सुजान, जो संत पूरन सत पुरुष को पा गया, उसने सब कुछ सत प्रेम आनंद को, प्रेम सत आनंद को पा लिया, वह ही पूर्ण संत कहलाता है। उसने सब कुछ पा लिया, जिसने उसको पा लिया उसने सत पुरुष को पा लिया। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, तू तू ना रहा, मैं ना रही, दोनों एक हो गए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जब तक तुम सत पुरुष को पाना है तो सतगुरु का बनना पड़ेगा। सतगुरु के बने बिना बात बनेगी नहीं। मैं आखिरी दो आज अभी बोलूंगा, उसके बाद क्लोज करूंगा आज का सत्संग। बाकी तीन दो मैं जब नया भजन बोलूंगा उसमें बोलू। सूरत कमल लोक सतगुरु वह नाम संग पाओ, आठवें चक्र के पार में। सूरत कमल लोक सतगुरु वह नाम संग पाओ, आठवें चक्र के पार में। स्वात ऊपर है सूरत कमल, वह नाम शब्द के ध्यान में वासा, सतगुरु की चेतन सुरती दार में। नाम शब्द के ध्यान में वासा, सतगुरु की चेतन सुरती दार में। सुरत कमल लोक सतगुरु वह नाम संग पाओ, आठवें चक्र के पार में। वह नाम शब्द के ध्यान में वासा, सतपुरुष की चेतन सुरती दार में। मोको कहाँ ढूंढ्यो बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढ्यो बंदे, मैं तो वह नाम चेतन सुरती।
दीदार में मुको कह ढूंढ्यो बंदे, मैं तो तेरे पास में। सूरत कमल बोला, शह शास्त्र सार से सवा हाथ ऊपर, ये एक हाथ होता और इतना ये सवा, तो ये सवा हाथ ऊपर आपको अपने ध्यान को ले जाना होगा, आज्ञा चक्कर से ऊपर जाना होगा, और आज्ञा चक्कर से ऊपर आपको सतगुरु अपना हाथ पकड़ के ही आपने मुंह में डाल के ले जाएगा, क्योंकि शह शास्त्र सार आप खुद पार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर निरंकार भगवान का प्यारा है, एक पूर्ण सतगुरु ही वहां पर अपना पांव रख सकते हैं और ऊपर ले जा सकते हैं। सुरती का है पांव, तो दूसरा नहीं, शरीर का नहीं, ये सुरती का पांव। बिन पग चले सुने बिन कान, कर विधि कर्म करे अति नाना, अन्न रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता पड़ियो। ना ये टूटे ना मल लगे, ना जले ना जाए, धन सो मानस नान का जो एक गल चले जाए। आत्मा की बात है, मन की नहीं। मन भाव है बाबा, ओंकार भगवान भाव, आत्मा नहीं। इन तीन लोक में कहीं आत्मा नहीं। आत्मा अमर लोक से आई, बेगमपुर सतखंड अमरपुर जाका नाम, सतपुरुषि अमर लोका प्यारो, सच्चा वेद ले जाए। इसलिए प्यारे सह सिंह जी, मेरा कहना, सुरत कमल जब तक आपकी सुषमना सम ना हो आप ऊपर जा नहीं सकते। सुषमना सम होगी तो आप आ गया चक्कर में। मैंने कहा ना, आपकी सुरती कुंडलिनी से होती हुई शह शास्त्र सार से आगे चक्कर में दाखिल होती है, और स्वांसा के साथ आपकी नृति आगे चक्कर में पहुंचती है। दोनों सुरती और नृति का मेल होता है, आप आत्मिक बन जाते, मन प्योर हंसा बन जाते। आत्मा जब कहते हैं, नाम लेते हैं, तो उसमें भी जाती है मन और माया भी जाती, उसको हटाने के लिए सुषमना चेतन करनी पड़ती है, तक मन और माया को छोड़े और शुद्ध होके दोनों पार्ट जो है आज्ञा चक्कर में मिलते हैं, और वहां सतगुरु प्रकट हो जाते। अब सतगुरु ही दिखते हैं संसार, बस उनके संग हो जाना है, मुंह में डाले या हाथ तुम्हारा पकड़े सुरत कमल ले जाए। तो सारी बात सुरत कमल तक पहले पहुंचने की है, उसके बाद जो तीन दोए बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट टाइम आपके सामने रखूंगा प्यारी सत्संग जी। तो आज यहीं हम क्लोज करेंगे। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी। बोल सतगुरु देव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।